हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ब्रजेश सर आपका स्वागत करता हूं बीकेएम एजुकेशन में। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट और शानदार क्वेश्चन बच्चे, और लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला, चाहे वो आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे, बच्चे हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बच्चे जरूर आते हैं। और बच्चे मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर फंसेंगे। बच्चे इसकी एक शानदार ट्रिक है, वो है क्या, फर्स्ट एंड लास्ट, यानी प्रथम और अंतिम, गवर्नर, गवर्नर जनरल और बच्चे वायसराय। तो बच्चे हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, यहाँ से क्वेश्चन बच्चे जरूर आता है। अगर आपने बच्चे तैयारी किया होगा तो इसको देखा भी होगा। और बच्चे यहाँ मैं ऐसा आपको बेहतरीन ट्रिक दूंगा कि दोबारा आपके क्वेश्चन यहाँ से गलती कभी नहीं होंगे। वो ट्रिक है क्या बच्चे, अभी मैं एक एक करके आपको सब कुछ बताऊंगा। तो बच्चे अब हम पढ़ने वाले हैं वही हमारा टॉपिक जहां से बच्चे क्वेश्चन फंसता है। और बच्चे बिलीव करो, जहाँ भी मैं पढ़ाता हूँ वो क्वेश्चन बच्चे आपके एग्जाम में जरूर जरूर आते हैं बच्चे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे, प्रथम और अंतिम, फर्स्ट और लास्ट, गवर्नर, गवर्नर जनरल और बच्चे क्या, वायसराय। एक चीज बच्चे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको इसी क्रम में याद करेंगे तो ये बच्चे हमेशा आपको ये याद रहेगा। तो बच्चे हमने यहाँ लिखा है क्या, हमने लिखा है यहाँ पे बंगाल का गवर्नर, ये बच्चे पहले आप नोट कर लें कि बंगाल का क्या है, ये गवर्नर है। फिर सेकेंड पॉइंट बच्चे क्या है, बंगाल का गवर्नर जनरल है बच्चे, यानी पहले पॉइंट में गवर्नर है, दूसरे में क्या बच्चे गवर्नर जनरल है, तीसरा पॉइंट क्या बच्चे, जो बंगाल का था अब कहाँ का बच्चे, भारत का गवर्नर जनरल, यानी अब इसको बोलेंगे क्या बच्चे, हम भारत का गवर्नर जनरल। और बच्चे लास्ट में हमें याद करना होगा क्या कि भारत का वायसराय। इन चार पॉइंट को याद कर लो बच्चे, मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक दूंगा जिससे आप बच्चे आसानी से याद कर लोगे। तो ये है क्या बच्चे, अगर आपसे पूछे बंगाल का गवर्नर कौन था, बंगाल का पहला गवर्नर बच्चे कौन था, तो आप बच्चे बेधड़क बताओगे रॉबर्ट क्लाइव। कौन था बच्चे, रॉबर्ट क्लाइव, यानी बंगाल का पहला गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर बच्चे जिसे कहते हैं फर्स्ट गवर्नर, वो कौन था बच्चे, रॉबर्ट क्लाइव। अब बच्चे आपसे ये अलग क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर पहला मालूम हो तो अंतिम भी मालूम चाहिए, तो अंतिम क्या है बच्चे, अंतिम यानी सर आपने देख लिया बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन सर अगर आपसे पूछ लिया अंतिम गवर्नर कौन था, यानी लास्ट गवर्नर कौन था, तो बच्चे आप तुरंत अपना ट्रिक लगाओगे, वो क्या है, वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन बच्चे, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल का पहला बच्चे जो गवर्नर हुआ वह रॉबर्ट क्लाइव हुआ, और लास्ट कौन हुआ बच्चे, वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन हुआ बच्चे, वॉरेन हेस्टिंग्स। अब सेकेंड पॉइंट बच्चे क्या है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बच्चे ध्यान देना यहां हमने गवर्नर लिखा है और यहां पे क्या लिखा है, गवर्नर जनरल। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ बच्चे, वॉरेन हेस्टिंग्स, यानी वॉरेन हेस्टिंग्स बच्चे जो था वह बंगाल का लास्ट गवर्नर हुआ, और फिर वॉरेन हेस्टिंग्स को बच्चे फिर क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। कहाँ का सर, बंगाल का, यानी बंगाल का गवर्नर पहला रॉबर्ट क्लाइव, और बच्चे बंगाल का गवर्नर जनरल कौन हुआ, वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या क्लियर है बच्चे। अब बच्चे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत का पहला गवर्नर, भारत का बच्चे पहला गवर्नर कौन हुआ, यानी अब यहां बच्चे बंगाल को हटा करके सीधे हम पूरे भारत का गवर्नर बना रहे हैं, तो भारत का पहला गवर्नर बच्चे कौन हुआ, तो भारत का पहला गवर्नर बच्चे कौन हुआ, विलियम बेंटिंक। कौन हुआ बच्चे, विलियम बेंटिंक। और अगर आपसे पूछेगा भारत का वायसराय क्या बच्चे, भारत का वायसराय कौन हुआ, तो आप बताओगे बच्चे कैनिंग। क्या बताओगे, कैनिंग। और अंतिम वायसराय बच्चे कौन हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन हुआ बच्चे, लॉर्ड माउंटबेटन। तो बच्चे इसकी जो बेहतरीन ट्रिक है वो है क्या, वो मैं बताता हूं। तो वो ट्रिक बच्चे है रॉबर्ट है विलियम की मौसी, क्या बच्चे,
विलियम की मासी, क्या बच्चे मासी। तो यहां से बच्चे आपसे पूछेगा बंगाल का पहला गवर्नर, क्या बच्चे ये बंगाल का क्या है बच्चे पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बच्चे रॉबर्ट क्लाइव को बोलते हैं स्वर्ग से उतरा हुआ सेनानायक, क्योंकि बच्चे जब 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ, 1764 के बक्सर के युद्ध में बच्चे रॉबर्ट क्लाइव की सैनिकों की संख्या कम होते हुए भी इसने बच्चे बड़ी संख्या में अवध के नवाब और बंगाल के बच्चे जो शासक थे मुगल शासक, इसने उन सबको हरा दिया। अपनी सूझबूझ से अपनी रणनीति से रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के नवाब को और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय या आलमगीर द्वितीय बच्चे उसे बोलते हैं, इसने क्या कर दिया बच्चे हरा दिया। जब इसने हराया तो इसको बोला गया स्वर्ग से उतरा हुआ सेनानायक, और ये बच्चे बना क्या बंगाल का गवर्नर, क्या बच्चे बंगाल का गवर्नर। इसके बाद बच्चे जो अगला पद आया बंगाल का गवर्नर जनरल, तो बच्चे मैंने यहां पर टिक दिया क्या है से क्या हो जाएगा बच्चे हेस्टिंग्स, क्या हो जाएगा यहां पे हेस्टिंग्स। तो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल हुआ बच्चे वह कौन हुआ हेस्टिंग्स, कौन हुआ बच्चे हेस्टिंग्स। फिर अगला पद आता है सर कौन सा भारत का गवर्नर जनरल, यानी भारत का गवर्नर जनरल। तो आप क्या है यहां ट्रिक क्या है बच्चे विलियम, तो यहां पे भारत का गवर्नर जनरल बच्चे कौन होता है वह होता है सर आपका विलियम बेंटिंक, कौन बच्चे विलियम बेंटिंक। तो यहां से आपको दिया गया है विलियम बेंटिंक, कर लीजिए इसे विलियम बेंटिंक। तो यहां विलियम से विलियम बेंटिंक हो जाएगा। अब बच्चे यहां पे अगला है बच्चे भारत का वायसराय, तो यहां पे की लिखा बच्चे हमने क्या लिखा है रॉबर्ट है विलियम की मौसी, तो की से क्या हो जाएगा बच्चे की से हो जाएगा यहां पे कैनिंग, क्या हो जाएगा बच्चे यहां पे कैनिंग। तो यहां की से हो जाएगा कैनिंग, और कैनिंग बच्चे भारत का पहला वायसराय बनता है, उसका नाम क्या है बच्चे कैनिंग। यहां बच्चे हमने लिखा क्या मौसी, तो मौसी में बच्चे यहां म ले लो, क्या ले लो बच्चे म। अब बच्चे यहां पे लास्ट वाला गवर्नर जनरल कौन होता है भारत वायसराय कौन होता है बच्चे, तो यहां म से हो जाएगा बच्चे क्या माउंट बेटन, क्या बच्चे माउंट बेटन। तो इससे बच्चे आप आसानी से याद कर लोगे ये है बंगाल का गवर्नर पहला, ये बंगाल का बच्चे कौन है गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, विलियम क्या है बच्चे भारत का पहला गवर्नर जनरल, बेंटिंक क्या बच्चे भारत का पहला गवर्नर जनरल, और बच्चे भारत का पहला वायसराय कौन होता है बच्चे कैनिंग, और बच्चे भारत का अंतिम वायसराय कौन बच्चे अंतिम वायसराय म से बच्चे कौन हो जाएगा माउंटबेटन। तो इस बच्चे शानदार ट्रिक से आप आसानी से बच्चे इसको आप याद कर सकते हो। अब बच्चे आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने यहां लिखा है कि सर ये जो गवर्नर है ये जो गवर्नर जनरल है यहां पे बच्चे भारत गवर्नर ये किस नियम कानून के थ्रू बच्चे यहां पे होते हैं। तो यहां पे हमने जो लिखा बच्चे क्या 1765 इलाहाबाद की संधि, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इलाहाबाद की संधि है क्या ध्यान दे बच्चे जब 1764 में बक्सर के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने बच्चे रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उतरा हुआ सेनानायक बोला गया है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी सूझबूझ अपनी रणनीति से बच्चे पूरे बंगाल के सैनिकों को और अवध के सैनिकों को बच्चे क्या कर दिया बक्सर के युद्ध में हरा दिया। कब हराया 1765 से एक साल पहले बच्चे कब 1764 में जब बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय बुरी तरह हारते हैं बच्चे, तो इन लोगों को एक संधि करनी पड़ती है, यानी बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम को हारने के बाद बच्चे एक संधि करनी पड़ती है, एक ट्रीटी करनी पड़ती है, उसी संधि को बोला गया क्या 1765 की इलाहाबाद की संधि,
क्या बच्चे? इलाहाबाद की संधि। अब इस इलाहाबाद की संधि में बच्चे क्या हुआ, जरा ध्यान देना। जीता कौन है? जीते हैं बच्चे ये अंग्रेज, कौन? रॉबर्ट क्लाइव। और हारे कौन है बच्चे? अवध के नवाब। और कौन? मुगल शासक शाह आलम। कौन बच्चे? शाह आलम द्वितीय। तो बताओ जरा, जीतने वाले को फायदा होगा कि हारने वाले को? जीतने वाले को फायदा होगा। तो जीतने वाला संधि करेगा या हारने वाले को संधि मानना पड़ेगा। तो इस संधि में बच्चे हुआ क्या? कहते हैं इसी संधि से ही बच्चे यहाँ पे पूरे भारत में बच्चे गुलामी लिख दी गई। इसी संधि के नाते पूरे भारतीयों का प्रशासन छीन लिया गया। अंग्रेजों ने भारतीयों से प्रशासन छीन के खुद चलाना बच्चे शुरू कर दिया। तो इस संधि में बच्चे क्या क्या हुआ, उन घटनाओं को बच्चे हम देखते हैं। तो 1765 का जो बच्चे इलाहाबाद की संधि हुई, उसमें कौन कौन सी शर्तें अंग्रेजों ने रखी या रॉबर्ट क्लाइव ने बच्चे रखी, जिसे हम भारतीयों यानी अवध के नवाब और मुगल सम्राट को बच्चे मानना पड़ा। तो पहली संधि की शर्त क्या थी बच्चे? जो शाह आलम द्वितीय था, जो शाह आलम द्वितीय था बच्चे, ये जो शाह आलम द्वितीय है बच्चे, इसे मुगल सम्राट बोला गया है। मुगल सम्राट है ये शाह आलम द्वितीय। और आपको मालूम है कि पूरे भारत में कौन था बच्चे? मुगल सम्राट। केवल राजस्थान के कुछ राजपूतों को छोड़ करके पूरे भारत में बच्चे ये मुगल सम्राट का शासन था। तो मुगल सम्राट उस समय शाह आलम द्वितीय था, जो बच्चे 1764 के बक्सर के युद्ध में हार गया था। अब हारने के बाद इसको क्या करना पड़ा? हारने के बाद बच्चे इसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी बच्चे, दीवानी ये अंग्रेजों को देनी पड़ी, अंग्रेजों को देनी पड़ी। अब ये क्या सर दीवानी? अब दीवानी बच्चे ये है कर वसूलना, नियम और कानून बनाना, यानी सारा पैसा कौन ले जाएंगे? अंग्रेज ले जाएंगे। और कर कौन वसूलेगा? कर वसूलेंगे बच्चे ये शाह आलम द्वितीय। यानी एक ही झटके में पूरे भारत के प्रशासन की बच्चे डोर ही कट गई इस युद्ध में हारने के नाते। तो इलाहाबाद की संधि बच्चे इलाहाबाद के किले में हुई थी, और इस संधि में शाह आलम द्वितीय जो बच्चे कहाँ का था, ये मुगल सम्राट था। मुगल सम्राट ने बंगाल, बच्चे बंगाल उस समय बहुत ही समृद्ध हुआ करता था, पूरे भारत में सबसे समृद्ध बच्चे यही बंगाल था, फिर बच्चे बिहार, फिर बच्चे क्या उड़ीसा। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को देनी पड़ी। किसने दी? शाह आलम द्वितीय ने, यानी सारे प्रशासन की बागडोर इन्होंने किसको दे दी? अंग्रेजों को दे दी। और इसका बच्चे हकदार कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। फिर बच्चे दूसरी शर्त क्या है इसमें? अवध के नवाब से, अवध के नवाब से जो कड़ा और इलाहाबाद के जिले हैं। अब बच्चे देखो, यहाँ जो शाह आलम द्वितीय है या मुगल सम्राट है, और जो अवध का नवाब है बच्चे, अवध का नवाब, तो अवध के नवाब से दो बड़े बड़े जगह छीन लिए गए। कौन कौन सी जगह? ये तो एक तो कड़ा है, कौन सा बच्चे? यूपी का कड़ा और इलाहाबाद। तो कड़ा एवं इलाहाबाद के जिले को लेकर के बच्चे यह मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। अब बच्चे दूसरी शर्त अंग्रेजों ने ये रखी कि जो अवध के नवाब भी तो हार चुके थे, तो अवध के नवाब से दो बड़े हिस्से, जैसे कड़ा उत्तर प्रदेश का एटा वाला जो हिस्सा बच्चे, और कौन सा? इलाहाबाद। तो दो बड़े हिस्से कड़ा और इलाहाबाद को छीन करके बच्चे ये अवध के नवाब से मुगल सम्राट को बच्चे शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। लेकिन बच्चे जरा ध्यान देना कि शाह आलम द्वितीय भी हारा, लेकिन अंग्रेज बड़े होशियार हैं, दिमाग उनका बहुत तेज है, तो वो करेंगे क्या? अभी जो यहाँ जो दो बड़े बड़े जगह हैं बच्चे, ये सम्राट को दे दिया शाह आलम द्वितीय को, लेकिन ये इसका फायदा उठाएंगे। इसका क्या करेंगे बच्चे? फायदा, ये पूरे भारत में एक शासन कर देंगे और इसी का फायदा बच्चे ये उठाने वाले हैं। तो दो बड़े हिस्से कड़ा एवं इलाहाबाद ये अवध के नवाब से छीन करके बच्चे ये मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। तीसरा क्या है बच्चे? 26 लाख
वार्षिक पेंशन मुगल सम्राट को बच्चे दिया गया। अब ये क्या है, जब पूरे भारत में जिस समय मुगल सम्राट था, कौन था बच्चे, मुगल सम्राट, तो मुगल सम्राट ही बच्चे पूरे भारत में शासन की बागडोर संभालता था। ऐसे में जब मुगल सम्राट यहाँ पे हार जाता है तो मुगल सम्राट से ये बोला गया कि आप बस एक कठपुतली हो, आपको गद्दी पे बैठा दिया गया है, पूरे भारत के प्रशासन की नींव अब हमारे हाथ में है, हम चाहे जितना टैक्स वसूलें, जितना कर लगाएं, ये सब हम करेंगे, बशर्ते शासन तुम करोगे। अब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बच्चे, अब पूरे भारत की जनता, जो पूरे भारत की जनता है वह विश्वास करती थी मुगल सम्राट में। अगर मुगल सम्राट को गद्दी से उतार दिया जाता तो पूरे भारत के लोग बच्चे क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं। तो अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि हम इस शाह आलम को, मुगल सम्राट को कुर्सी पे बैठाए रहेंगे, लेकिन सारा अधिकार, जो टैक्स वसूलना है, जो कर वसूलना है, जो बच्चे जो भी नियम कानून लगाना है वो हम करेंगे, यानी तुम नाम मात्र के राजा रहोगे और तुमको हम कुर्सी पे बस बैठा देंगे, बाकी सारा बागडोर हमारे हाथ में रहेगा। अब बागडोर अंग्रेजों के हाथ में चला गया, उसके बदले अंग्रेजों ने क्या कहा, अगर हम ऐसा करेंगे तो तुम्हें 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देंगे। कितना देंगे बच्चे, 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देंगे, इसी पे तुम्हारा खर्चा चलेगा। लेकिन बच्चे अंग्रेजों ने ऐसा किया नहीं। अब 26 लाख रुपए बच्चे उस समय तो बहुत ज्यादा है, तो 26 लाख रुपए जब देना पड़ेगा तब तो अंग्रेजों की सुनी जाएगी। तो 26 लाख रुपए बच्चे इन्होंने दिया नहीं और लास्ट में शाह आलम द्वितीय को बच्चे इन्होंने लोहे की गरम गरम सलाखों से क्या कर दिया बच्चे, मार दिया। तो ये कब किया गया, जब इन्होंने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद ले लिया और बच्चे बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी ले ली। तो ऐसे में अंग्रेजों ने इनको 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देने का शर्त बच्चे रखा कि हम अंग्रेज इनको 26 लाख रुपए बच्चे वार्षिक पेंशन के रूप में देंगे। अब चौथी शर्त क्या है, चौथी शर्त बच्चे, जो ब्रिटिश शासन का जड़, कहते हैं जब ये यहां से जो ये युद्ध हारे थे 1764 बक्सर के युद्ध में बच्चे, जो इलाहाबाद की मतलब संधि हुई, इही से बच्चे भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ पड़ गई। अब पूरे भारत में ब्रिटिश शासन की क्या हो गई बच्चे, यहाँ पे शुरुआत हो गई। क्या हो गई, यहाँ पे शुरुआत हो गई। तो ये क्यों हुआ, 1765 की इलाहाबाद की संधि के नाते हुआ, जिसमें बच्चे बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों के हाथ में चली गई, फिर अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद लेकर के बच्चे मुगल सम्राट को दे दिया गया और बच्चे 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन मुगल सम्राट को दिया गया कि आप कोई भी मतलब टाल मटोल नहीं करोगे, हम अपना काम करेंगे, तुम कुर्सी पे बस बैठे रहो। और बच्चे यहीं से ब्रिटिश शासन की जड़ बच्चे भारत में लग गई या नींव पड़ गई बच्चे, कि यहीं से कहते हैं ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो गई। अब बच्चे 1765 में इलाहाबाद की संधि आपको समझ में आ गई होगी। अब बच्चे यहाँ पे बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, बंगाल का क्या है, गवर्नर जनरल, ये क्यों बनाया गया, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो बंगाल का गवर्नर है उसको चेंज कर दिया गया, अब पूरे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किस एक्ट के थ्रू, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू बच्चे ये किया गया। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट बच्चे, इसी एक्ट में भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की नींव पड़ी, यानी इसी के थ्रू बच्चे भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की नींव पड़ी। स्थापना की बच्चे क्या पड़ी, नींव पड़ी। तो पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया और बच्चे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बच्चे इसी से नींव पड़ी। फिर आता बच्चे 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट बच्चे, यानी यहां से आते आते पूरे भारत में
ब्रिटिश साम्राज्य फैल चुका था और ब्रिटिश साम्राज्य ने 1833 के चार्टर एक्ट में जो पहले बंगाल में था अब कह दिया पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनेगा, क्योंकि पूरे भारत की बागडोर इनके हाथों में आ चुकी थी। बच्चे लगभग 70 साल हो चुके थे और विलियम बेंटिंक को बच्चे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब बच्चे 1858 का शासन अधिनियम, जब 1857 की क्रांति होती है और 1857 की क्रांति में भारतीय बुरी तरह हार जाते हैं, भारत के लोग बच्चे बुरी तरह हार जाते हैं, तो जब भारतीय लोग इसमें हार जाते हैं तो ऐसे में इसकी सूचना बच्चे इंग्लैंड तक जाती है और इंग्लैंड की महारानी बच्चे एक अधिनियम लाती हैं, वहां से उस अधिनियम का नाम बच्चे क्या 1858 का शासन अधिनियम। इस 1858 के शासन अधिनियम से बच्चे भारत का एक वायसराय बनाया गया और एक सचिव का पद भी आया। सचिव बच्चे इंग्लैंड में रहता था और वायसराय बच्चे इंडिया में रहता था। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये जो भारत का वायसराय है ये किस अधिनियम के थ्रू आया, तो वह 1858 का जो शासन अधिनियम है बच्चे उसी के थ्रू आया था। अब एक बार मैं फिर से इस चीजों को दोहरा दूं कि आपको याद क्या करना है, तो आपको बच्चे याद करना होगा बंगाल का गवर्नर, ठीक है, आपका रॉबर्ट है विलियम की मौसी। बंगाल का गवर्नर बच्चे कौन हुआ, रॉबर्ट, कौन बच्चे रॉबर्ट, फिर है बंगाल का गवर्नर जनरल। आपको बच्चे इसी क्रम में याद करना होगा, जैसे यहां जी ले लो, यहां बच्चे क्या ले लो, जी जी ले लो, जैसे जी जी ले लो, जी जी डबल जी कर लो, तो बंगाल का गवर्नर कौन हुआ बच्चे रॉबर्ट, फिर क्या है, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल कौन हुआ है हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, फिर क्या बच्चे कि फिर है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी यहां कर सकते हैं आप जी जी आई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वह कौन होता है बच्चे विलियम बेंटिंक। रॉबर्ट है विलियम की मासी, तो विलियम बेंटिंक जो होता है बच्चे वह होता है आपका जी जी आई, जी जी और जी जी आई, फिर क्या है बच्चे की से केनिंग। अब भारत का वायसराय, यहां से आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, केनिंग जो होता है बच्चे यह भारत का पहला वायसराय बनता है और अंतिम वायसराय बच्चे कौन बनता है, माँ से माउंट बेटन यह अंतिम वायसराय बनता है। आप बच्चे इसको दो बार तीन बार लिखिए, जैसे रॉबर्ट है विलियम की मौसी, अगर आपसे पूछता है कि बंगाल का पहला गवर्नर तो कौन है बच्चे वो रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वो कौन है बच्चे वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वह कौन है बच्चे वॉरेन हेस्टिंग्स, फिर है बच्चे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बच्चे पहला में ये आता है और लास्ट में बच्चे कौन होता है विलियम बेंटिंक, और बच्चे भारत का वायसराय कौन होता है पहला ये फर्स्ट है, ये कौन है बच्चे केनिंग, और अंतिम कौन है बच्चे माउंट बेटन। तो इस शानदार ट्रिक को बच्चे याद करने के बाद आप कभी भूलोगे नहीं, आप इसको ऐसे याद कर लो जी 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 आई और बच्चे यहाँ से वायसराय और यहाँ आसानी से आपको ये याद हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अब बच्चे इसके हम सेकेंड पार्ट में मिलेंगे और आपको बताएंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर बच्चे 1833 का चार्टर एक्ट और 1858 का शासन अधिनियम। तो बच्चे मेरा उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन बच्चे हर हाल में पूछा जाएगा और हर बच्चे कोई भी एग्जाम हो, चाहे IAS हो, चाहे PCS हो, चाहे SSC हो, यहाँ से क्वेश्चन बच्चे आता है तो आता है, लेकिन इस छोटे से पार्ट को बच्चे हम गलती कर देते हैं। तो इस शानदार ट्रिक से आप आसानी से बच्चे इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और 1765 की इलाहाबाद की संधि बच्चे हमने यहाँ बताई दी है, तो यहाँ इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि कितने लाख रुपया वार्षिक पेंशन देना तय हुआ मुगल सम्राट शाहआलम द्वितीय को, तो 26 लाख रुपये। कौन से जिले को अवध के नवाब से छीन करके मुगल सम्राट को दिया गया, तो कौन सा है कड़ा और इलाहाबाद। किस जगह को, किस प्रदेश को, किस प्रांत को दीवानी
अंग्रेजों को दी गई तो वो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा। किस संधि के थ्रू दिया गया? इलाहाबाद के संधि के थ्रू। तो उम्मीद करता हूं बच्चे क्लास आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो मिलते हैं बच्चे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, थैंक यू।